1870 में आज ही के दिन महान स्वतंत्रता सेनानी चितरंजन दास का जन्म हुआ। 1914 में आज ही के दिन इंग्लैंड और फ्रांस ने तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। 1917 में आज ही के दिन स्वतंत्रता सेनानी एवं हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता का जन्म हुआ। 1950 में आज ही के दिन ध्रुपद तथा ख्याल गायन शैली के श्रेष्ठतम गायक फयाज खां का निधन हुआ। 1985 में आज ही के दिन तंजानिया के राष्ट्रपति जूलियस नेरेरे ने 24 वर्ष तक शासन करने के बाद पद छोड़ा। 1998 में आज ही के दिन प्रगतिशील लेखक एवं कवि नागार्जुन का निधन हुआ। 2001 में आज ही के दिन भारत तथा रूस ने अफगानिस्तान सरकार में तालिबान की भागीदारी नामंजूर की। 2002 में आज ही के दिन ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खुमैनी ने जेल में बंद देश के शीर्ष असंतुष्ट नेता अब्दुल्ला नूरी को माफी दी। 2006 में आज ही के दिन इराक के उच्चाधिकार न्यायाधिकरण ने देश के अपदस्थ राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई। 2008 में आज ही के दिन प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक बीआर चोपड़ा का निधन हुआ। 2011 में आज ही के दिन प्रख्यात संगीतकार गायक अभिनेता